के दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह के यहाँ लग्जरियस हाउस, बहुत ही आलिशान घर होते हैं। तो चोरी चोरी ये दिल ले कहाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से बिल्कुल साउंड एंड शाइन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो अभी टाइम हो चुका है शाम का और आज है छुट्टी का दिन। तो छुट्टी का दिन हो, हम घर पे नहीं टिक सकते हैं, ये कनाडा का रूल लिखा हुआ है। तो बस मनीष और साविर अभी हो रहे हैं तैयार, मैं हो चुकी हूँ अभी थोड़ी थोड़ी तैयार, थोड़ी थोड़ी नहीं तैयार। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन उस व्लॉग को शुरू, इस व्लॉग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, रात अंधेरा बाहर इतना ज्यादा हो चुका है, ठंड इतनी है, बाहर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। तो पार्टी में तो हर किसी का जाने का मन करता है, चेंज फील होता है, गेट टुगेदर्स होती है। ओकेजन कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेट टुगेदर, वी कैन से दैट। तो जो कि भाई हर हफ्ते ही हो रही है, इसी के लिए यहाँ पे फेमस रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि कनाडा की विंटर्स ऐसी वैसी, मैंने भी बहुत बारी बोला होगा ये वाली बात, लेकिन एक बात ये भी है जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि कनाडा की विंटर्स ना मस्त है, रियली मस्त है। क्यों है वो मस्त? उनका एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि अब आप लोग बहुत सारे गेट टूगेदर्स कर सकते हो, तो फुल ऑन फन होता है। मंडे टू फ्राइडे चाहे है ना, बोरियत भी लगे मंडे टू फ्राइडे। तो आपको अगर देखिए बाहर ऑफिस जा रहा होगा तो थोड़ा सा फील होगा यार विंटर में, पर एटलीस्ट जो सैटरडे संडे रहता है उसमें आप लोग पार्टी कर सकते हैं। तो जो 5 दिन का जो भी आपका थकान होती है वो आप फिर एक दिन पार्टी करके सही खत्म कर सकते हो। हाँ, ठंड होती है, दैट वी डू अग्री कि ठंड होती है, बट वो उनके लिए जो अभी तक जिनके पास अपने व्हीकल्स नहीं है, कम्यूट करने में मुश्किल होती है, लेकिन जब आपके पास सब चीजें हो जाती है तो विंटर्स उतनी हार्श और उतनी खतरनाक नहीं लगाती। एक बेस्ट पार्ट, एक चीज जरूर है जो मनीष को पता चलेगा, जब बर्फ हटानी पड़ेगी सुबह सुबह, वो एक खतरनाक पार्ट है, अदरवाइज इज वेरी गुड। ठीक है, तो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और अगर हम उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो बस अभी हम लोग रहे हैं और बस अब आप लोगों को डायरेक्ट मिलेंगे पार्टी में और आप लोगों को भी फन करवाएंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ किस तरह का फन कर रहे हैं। तो चलो आप लोग भी जल्दी से तैयार होके आ जाओ हमारे साथ पार्टी में। बाय बाय बाय। चलो चलो चलो। अरे यार रेडियो पे लगे हुए हैं। शायद आपको स्कूल छोड़ दूं? साविर का स्कूल पीछे है यहाँ से। सो ये हम पहुंच गए हैं अपने फ्रेंड्स के घर पे जहाँ पे पार्टी है और साविर सो गया है अंदर। उठ गया, जैकेट खोल दे, जैकेट अंदर ही खोलना। फिर सो गया है क्योंकि थोड़े दूर था घर, तो बस अभी इसको उठा रहे हैं। और घर बहुत अच्छे है, ये कंट्री साइड ड्राइव है सारी की सारी, मतलब मेन सिटी से थोड़े से दूर, लेकिन घर बहुत बड़े 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 हैं। अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। सो हम अभी आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स के घर पे, मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगी, विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। एंड मेरे बर्थडे हुआ था तो उसका केक आज कट रहा है यहाँ पे, मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है तो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं आपको उनका घर दिखाऊंगी एंड रियली आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। पर पहले मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होएगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा होम टूर नहीं करने वाली हूँ, बट छोटा सा उनका घर की एक झलकी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह के यहाँ लग्जरियस हाउस, बहुत ही आलिशान घर होते हैं। तो पहले बर्थडे केक काटते हैं और आप भी मेरा बर्थडे एंजॉय करो साथ में आके। हाँ ये ठीक है। मनीष
ये केक के ऊपर जो क्रीम है ना, ये क्रीम किसी के फेस पर चढ़ गया। मैं ऑलरेडी क्रीम लगा के आई हूँ। चलो शुरू करो जी। पर थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा। रियली वो मोमेंट दिखाई नहीं। ओके गेट स्टार्टेड। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू जल्दी जल्दी बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। सो ये सबसे पहला इनका लिविंग रूम है एंड इसी के साथ यहाँ पे है डाइनिंग टेबल और अंदर हो रही है पार्टी। इसके बाद यहाँ पे मैं दिखाई दूंगी आप लोगों को बहुत अच्छे से मिरर में। रही किचन एंड यहाँ पे हमारे सारे बैठे हैं बड़े लोग। बेसमेंट एंड हियर वी हैव द स्टेयर्स। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी नीचे वाला लिविंग रूम जहाँ सारे के सारे हैं। और यहाँ पे कुछ रूम्स हैं इनके। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। काफ़ी बड़ा बेडरूम है। मैं पूरा वॉशरूम एंड ऑल नहीं दिखा रही। ये कवर्ड है इनकी जहाँ सेंसर लाइट है, देखो खुद जल गई। एंड देयर वी हैव अ वॉशरूम। दिस इज़ द रूम नंबर 1। वी हैव मैनी मोर सावर मंदिर। मंदिर की फील, ये है मंदिर। अनदर रूम, ये हमारी आंटी जी हैं। ये है मनीष। ये हमारा एक और रूम जहाँ बच्चे खेल रहे हैं अभी। अदर रूम, बहुत सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है पार्टी में, बहुत इन्जॉय हो रहा है। बस अभी डांस शुरू होगा एंड साथ में गाना बजाना। ये हमारी हर टाइम पार्टी का जो है ना वो रहता ही रहता है। तो बस चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया ये होम टूर का आप लोगों के लिए, बट आई होप आप लोगों को ये भी अच्छा लगेगा जो हाउस मैंने आप लोगों को दिखाया। सो अभी डांस नाइट्स तो खत्म हो गई है। डांस हम लोगों ने बहुत कर लिया, लेकिन अभी गाने चल रहे हैं। मैं आपको दिखा
दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है नीचे, तो आप लोग भी एंजॉय करो हमारे साथ पार्टी। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं मनीष का भी आप लोगों को सुनाऊंगी। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं पे ना कोई म्यूजिकल शो हो रहा है, डांस पार्टी एंड ऑल एवरीथिंग। मेरे तो गला ही बैठ जाता है ज़्यादा बोल बोल के। चोरी चोरी जब नजरे मिली। ओह माय गॉड, चोरी चोरी जब नजरे मिली, चोरी चोरी फिर नींदे उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदे उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा, न जाने क्या मिल गया, न जाने क्या खो गया। ये सारा का सारा खाना मंचूरियन और ये शोर पीछे से, आवाजें आवाजें ही आवाजें। खाओ खाओ, हंस क्यों रहे हो? सो टाइम हो चुका है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइम हो चुका है 3:05 और स्टिल अभी पार्टी ऑन है। बस अब डिस्कशंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर चुके, थक चुके हैं गाने गा के डांस करके। तो बस व्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। सो आई होप आप लोगों ने आज का मेरा बर्थडे का सेकेंड सेलिब्रेशन भी देख लिया और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कैसे कैसे लगे हम लोगों के फ्रेंड्स, हम लोगों के डांस एंड ऑल। सो एंड जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई कि कनाडा के बारे में जो हर मिसकंसेप्शन रहता है, उस चीज़ को भी हम क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, या कि लाइफ बहुत मस्त है अगर आप लोगों का सर्कल अच्छा है, सोशल अगर आप खुद भी हो तो आप लोगों को लोग भी अच्छे मिलेंगे। एंड सबसे पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे इंडियंस बहुत है तो आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस इतने सारे भाषण के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पर खत्म। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।